मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रांसपोर्टर और उसके साले को गोली मारने की वजह बताते हुए आरोपी ने पुलिस से कहा कि दोनों उसका मजाक बना रहे थे। दोनों ने अफवाह फैला दी थी कि उसकी शादी में खाना कम पड़ गया। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। जानकारी कहती है कि आरोपी ने शादी को लेकर कई सपने देखे थे। जब इसी शादी की कोई यह कहकर बदनामी करे कि बारातियों को खाना नहीं मिला तो गुस्सा आ गया। घटना 16 नवंबर रात की है। 12 नवंबर को ही आरोपी की देवउठनी 11 के दिन शादी हुई थी। पुलिस ने दूल्हे और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले में ट्रांसपोर्टर और उनके साले घायल हो गए थे। ट्रांसपोर्टर की कमर तो साले के हाथ में गोली लगी थी। आरोपी अजीत जाट ग्वालियर की बिजोली स्थित रतवाई गांव के पास का रहने वाला है। बारात बिजोली से हजीरा गई थी। अजीत जनपद सदस्य, कई विधायक और पूर्व विधायकों का खास भी है। शादी के दूसरे दिनों से जानकारी लगी कि उसकी शादी में खाना कम पड़ गया था। कई लोग भूखे ही शादी से लौट कर आए थे। मालूम करने पर पता चला कि यह बात रतवाई गांव निवासी ट्रांसपोर्टर रविंद्र राणा और उनके साले राहुल राणा समाज में फैला रहे हैं। उसने प्लान बनाया और बड़ा गांव में हंसराज होटल पर दोनों को मिलने बुलाकर गोली मार दी। गंभीर हालत में दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्तेदार भी थे। जब आरोपी को पकड़ा गया तो आरोपी का कहना है कि उससे शादी को लेकर मजाक उड़ा रहा था। जो फरियादी है वो लोगों से चुगली कर रहा था कि खाना घट गया, तो इसके लिए बात करने गए थे कि क्यों मजाक उड़ा रहे हो। इस पर दोनों की बहस हुई और फिर आरोपी ने अपने लाइसेंसी बंदूक से दो फायर किए जिसमें दो लोगों को चोट आई थी। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज, ग्वालियर।